दुर्गा पूजा को लेकर शहर के विभिन्न पंडालों में स्थापित माता दुर्गा के पट शनिवार को खुल गए। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पूजा पंडालों में पहुंचने लगे हैं। वैसे तो कई स्थानों पर छठवीं को ही मां का मुख खुल गया था, लेकिन सप्तमी को शहर के लगभग सभी पूजा पंडालों में स्थापित माता दुर्गा का मुंह खोल दिया गया है और इसी के साथ श्रद्धालु दर्शन करने पहुँच रहे हैं। बात करें शहर में असंख्यक पूजा पंडालों की, उसमें मुख्य रूप से विश्वविद्यालय चौराहे पर बने पूजा पंडाल की या रेलवे स्टेशन की भव्य मां दुर्गा की प्रतिमा की, चाहे गोलघर स्थित काली माता मंदिर पुरदिलपुर स्थापित मां दुर्गा की पूजा आरती करने के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए पूजा पंडालों को खोल दिया गया है। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री श्री दुर्गा पूजा समिति रेलवे स्टेशन रोड के उपाध्यक्ष अशोक सिंह एवं श्री श्री ऑटोमोबाइल्स दुर्गा पूजा समिति के मंत्री दीपक जायसवाल ने बताया। अशोक कुमार सिंह, ये हमारे यहाँ तो शुरू से ही खष्टी को ही ये माँ का पट्टी खुलती है। कब से बैठाया जा रहा है, क्या है? ये तो इस साल 57 साल हो गया, लगभग हमारे अंदर 57 साल हो गया। और हर साल जिस तरह से होता है, माननीय सुदामा सिंह जी ने पूर्व MLC जिस तरह से कराते हैं, वही परंपरा अभी तक चली आ रही है। इस समय बाबू अमित सिंह जी देख रेख कर रहे हैं, वही सब कुछ है। माता की पूजा किस तरीके से किया जाता है? माता की पूजा तो मतलब पहले दिन ही, नवरात्र के पहले दिन ही हम लोग कलश स्थापना करते हैं और सुबह और शाम डेली माँ की पूजा होती है।
और खास तौर से षष्ठी के बाद से वो पूजा होती है। मेले जैसा माहौल हो जाता है? मेले जैसा तो माहौल तो सप्तमी से तो भयंकर भीड़ होती है और अष्टमी नवमी तो पूछना ही नहीं रहता है कि कौन है कौन है। बड़ी मेरा नाम दीपक जायसवाल। ये मूर्ति विगत 40 सालों से हो रही है जिसकी स्थापना 1978 में हमारे दादा परदादाओं ने इसकी स्थापना की थी और वो निरंतर दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयों पर बढ़ता जा रहा है और आज सप्तमी नवरात्रि की सप्तमी को आज दोपहर में करीब 2 बजे माता जी का प्राण प्रतिष्ठा होकर के और आपकी मुख खुला आज। तो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा श्री श्री ऑटोमोबाइल्स दुर्गा पूजा समिति स्थापित वर्ष 1978 गोलघर के मुख्य बाजार में पुरदिलपुर में स्थापित होती है। किस तरीके से माता जी का पूजा किया जाता है, क्या विशेषता है? विशेषता के रूप में ये है कि पूरे मोहल्ले के लोग इसमें एकजुट होते हैं और जो भी पारंपरिक रूप से जो भी पूजा होती है हमारा साजो सज्जा के साथ साथ हमारा मुख जो हमारा होता है वो पूजा पे हमारा आकर्षित होता है, ध्यान पूजा पे आकर्षण का ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है पूजा पे ही।